अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जा रहे हैं चिकन बिरयानी बनाने के लिए। आइए देखते हैं उसकी रेसिपी। चलिए, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं भी बिरयानी बनाने के लिए जा रही हूँ, उसकी रेसिपी दिखाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं आपको। और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है रेड चिल्ली पाउडर 2 चम्मच लिया है, ये है धनिया पाउडर 2 चम्मच, ये 4 छोटी इलायची है, ये दालचीनी टुकड़ा है, ये जावित्री है, ये स्टार वाला फूल है वो है, ये जीरा है, और ये हमने 4-5 तेज़ पत्ते ले लिए हैं, नींबू है, और ये रहा बिरयानी मसाला, ये हल्दी है और बड़ी इलायची, और ये छोटी ये काली मिर्च है और लौंग है। ठीक है दोस्तों, और ये हमने ले ली है 1/2 kg बासमती राइस है, और ये 1 kg है चिकन दही है, और 6 प्याज है, इनको छील के रख लिया, अभी इनको काट के रखना है, और 8 से 10 तक ये हरी मिर्च है, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। चलिए दोस्तों बनाते हैं ये सब चीज़। आप लोगों ने देखा था कि अभी वो चावल थे, इनको हमने धुल के और इनको भिगा दिया है 1 घंटे के लिए। बासमती चावल है और इसको होने में भीगने में कम से कम अभी 1.5 घंटा लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों तब तक दिखाते हैं प्याज फ्राई। गाइस, ये देखिए प्याज हो रहा है, अभी ये ब्राउन नहीं हुआ है, जब भी थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाएगा तब निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर इसमें अभी कोरमा बनाते हैं, चिकन डाल के फिर कोरमा बनाते हैं, अभी इसमें चिकन भी तो डालेंगे भूल। देखिए दोस्तों, प्याज का कलर हो गया है चेंज, बस होने वाला है, उसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसमें रख देंगे, इसमें आप डालेंगे फिर चिकन, सारे मसाले डाल देंगे, तब तक ये कोरमा तैयार होता रहेगा, हम आ जाएंगे नमाज पढ़ के, तब तक लगे तो बना भी लीजिएगा, अगर आप लोग कभी यहाँ होंगे तो बना के ज़रूर खिलाएंगे। ऐसे मैंने देखा है बिरयानी तो ज़्यादातर तो लोगों को पसंद ही रहती है, ऐसा क्यों होता है गाइस कि सबको बिरयानी बहुत पसंद है। अभी ये चिकन डाल दिया है, जब अभी इसका चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तब इसमें डालेंगे सारे मसाले। सारा मसाला डाल दिया है, जब तक ये चिकन भून रहा है तभी दूसरी तरफ से पानी चढ़ा देते हैं चावल बॉयल होने के लिए। अभी इसमें रह गया दही डालने के लिए, ये डाल देते हैं थोड़ा सा दही। गाइस, पानी इसमें शक्कर ने रख दिया था और उसने बताया ही नहीं कि हम रखने जा रहे हैं, और सारा सामान डाल दिया इसमें, जो भी जो जो चीज़ें पड़ने को थी वो सारी उसने डाल दी। फिलहाल अभी हम दोस्तों ऐसे ही आपको बता दिए दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। इसमें तेज़ पत्ता पड़ा हुआ है, 4 से 5 हरी मिर्च पड़ी हुई है, और 7 से 8 काली मिर्च पड़ी हुई है, और 5 या 6 शायद वो पड़ी हुई है लौंग, और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पड़ा हुआ है, और काली मिर्च पड़ी हुई है, बड़ी इलायची पड़ी हुई है, और थोड़ा सा तेल डाला है। दोस्तों, अगर ये जो है चावल बॉयल करने में अगर इसको डालते हैं, ये सारी चीज़ें डालते हैं, तो इसका जो बिरयानी का फ्लेवर होता है चावल में बहुत अच्छा आता है। लेकिन ये जो मसाले पड़े हुए हैं इनको भी बाद में मैं निकाल दूंगी, क्योंकि अगर ये सारे साथ में पड़े रहते हैं तो ये बाद में मुँह में आते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गैस, जो चिकन बचा था थोड़ा सा वो भी डाले दे रहे हैं इसमें, बस बचा हुआ है इसका, बस हो गया। जल्दी से हम डाल दे रहे हैं, अगर हम धुल के तो मैं डालने नहीं देंगे। मेरे ले लो साथ में, दो उसको सही से फैला देते हैं चारों तरफ से, 2 लग जमा हुआ कवर कर देते हैं जिसमें ये सही रहे। थोड़ा प्याज बचा हुआ था ये भी ऊपर से डाल दे रहे हैं फाइनली, और ये इसमें डाल देते हैं फूड कलर जो बचा हुआ है ऊपर से।
डाल दे रहे हैं इसमें नींबू। अगर ये नींबू डाल दो तो चावल जो है खिले खिले बनते हैं, टूटते नहीं है। तो इसमें आधा नींबू डाल देते हैं। और अब क्या बचा इसमें, ये है केवड़ा, बेसन में डाल दिया है केवड़ा। और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बिरयानी में, ऊपर से डालते हैं हरा धनिया। आप लोग ट्राई जरूर करिएगा एक बार डाल के, हरा धनिया देखिए वो कैसी लगती है बिरयानी। और मैं इसको कर दे रही हूँ कवर और पेपर से, उसके बाद रख देते हैं बंद करने के लिए। ठीक है, बंद कर दो। गाइस फाइनली बिरयानी दम करने के लिए रख दिया है। ये हमने गैस ऑन कर दी है, अभी 5 मिनट इसको रखेंगे फुल गैस पे, उसके बाद थोड़ी सी कम कर देंगे आँच। ठीक है, और ये फाइल दोस्तों, हमें लगा फाइल पेपर है लेकिन वो था ही नहीं, तो हमने फिलहाल अभी इसको ऐसे ही ढक दिया है। और अभी इस पर कोई वजन चीज रख देते हैं। बिरयानी को खोल कर देखते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलिए अभी इसको चला के देखते हैं कि कैसी बनी हुई है। चलिए साइड से चलाएंगे, अगर ऐसे चलाएंगे तो सारे चावल टूट जाएंगे। बिरयानी रख चुकी है गाइस टेबल पर, अब देखते हैं शक्कर खा के बताएं कैसी बनी है। ये शक्कर नींबू डालते हुए बिरयानी तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हम खाने नहीं दे रहा है, इतनी अच्छी बिरयानी बनी है। हटो, हम खाने दो। ये बड़े बड़े लेग्स खा लो, लेग्स तो तुम ज्यादा शौक से खाती है।